निर्भवति भारत अभ्युत्थानं मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानी हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और पाप का घड़ा भर चुका है, और यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर विज्ञान, तकनीक और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख और अशांति की भी अति हो रही है। मानव में निहित मनोविकार भी अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। कहा भी जाता है कि अति के बाद अंत होता है। हम आज एक ऐसे ही युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं, जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं, और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वह हम सभी आत्माओं के प्यारे परम पिता सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी परमात्मा ने दादा को आने वाले महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं समुद्र की उछालें ऐसी जैसे कि समूल पृथ्वी को ही काल के गर्त में समा दी। साथ ही उन्हें कत्लेआम का मंजर भी दिखा, जहां सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा, तो भारत में ग्रह युद्ध द्वारा खून की नदियां बहती हुई दिखी। ऐसे महाप्रलयंकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता थी। एक ओर जहां प्रकृति अपने संपूर्ण सत्वप्रधान स्वरूप में थी, वहीं सभी मानव भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे थे। सर्व प्राणियों में भी प्रेम और सद्भाव की भावना थी। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। उस सर्व सुख से संपन्न युग में एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर कोई सुखी और समृद्ध था। इसके पश्चात निराकार परमात्मा ने दादा को ऐसी श्रेष्ठ दुनिया स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया,
और उनका अलौकिक नाम दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा रखा तथा नियमित रूप से उनके तन का आधार लेकर सत्य ज्ञान की धारा प्रवाहित करना प्रारंभ किया और ऐसे ही शुरुआत हुई ओम मंडली की। यहां आने वालों में अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होने लगे और धीरे धीरे यह ओम मंडली पूरे हैदराबाद में विख्यात हो गई। इस पूरे संगठन ने 14 वर्षों तक गहन तपस्या की और 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई तथा ओम मंडली नाम को परिवर्तन कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा द्वारा प्रभु प्यार में पल रही शिव शक्तियों ने धीरे धीरे भारत और विश्व में अलग अलग स्थानों पर सेवा शुरू की। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अव्यक्त हो गए, परंतु परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया यह अविनाशी यज्ञ आगे बढ़ता ही गया और आज सारे विश्व में फैल चुका है। 8 दशक पूर्व परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को भविष्य में होने वाले महापरिवर्तन के जो नजारे दिखाए थे वे आज हमें साक्षात देखने को मिल रहे हैं। आज हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट कर दे इतने परमाणु हथियार आज हमारे पास हैं। 2 विश्व युद्ध तो हम देख चुके हैं और 3रा विश्व युद्ध कितना विकराल हो सकता है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन भी हमारे सम्मुख हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अनेकों पीस कॉन्फ्रेंसेस और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होने के बावजूद भी कोई भी इस विकट परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। न चाहते हुए भी हम अपने विनाश का स्वयं ही आह्वान कर रहे हैं। समय बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। आवश्यकता है कि हम सभी इस महापरिवर्तन काल को पहचाने। हमारा उद्देश्य आपको महाविनाश की बात से डराने का नहीं, अपितु उस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के बारे में बताना है। इस परमात्म अवतरण की वेला के महत्व को जान परमात्मा द्वारा बताई जा रहे श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने से ही हम उस दुनिया में जा पाएंगे। इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ विश्व की हर आत्मा ले सकती है, क्योंकि हम सभी आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं और यह ईश्वरीय ज्ञान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।